आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल तफरी विद करुण मंजीत में। यूं तो चाप आज के टाइम में वेजिटेरियन लवर्स की जान बच चुका है और आप सभी ने उसका स्वाद भी खूब चखा होगा। आज हम आए हैं एक ऐसे ही आउटलेट पर जो कि इंदिरापुरम में अपनी चाप के लिए खासे मशहूर हैं। हमने भी इनकी चाप कई बार चखी है और हम ये दावे के साथ कह सकते हैं कि इंदिरापुरम में ये कुछ बहुत ही बेहतर चाप बनाने वालों में से एक हैं। और ये और कोई नहीं, ये हैं चस्का स्नैक कॉर्नर वाले। तो मिलते हैं इनसे और जानते हैं ये चाप बनाते कैसे हैं और क्या क्या वैरायटी इनके पास अवेलेबल है। आपके पास आके जो सबसे अच्छी चीज दिखती है ना, वो है आपकी वाइफ का आपके साथ, और वो साथ पूरा देना। तो आपने ये कैसे सोचा कि मैं इनके साथ जाके ये काम करूँ? तो हमने सोचा कि अकेले तो इनसे होगा नहीं, तो जो कुछ हो सकता है साथ मिलके करते हैं, क्योंकि एक हो गए 11 होती है ना। तो उसी में लगे गए, थोड़ा बहुत इनसे सीखा, थोड़ा देखा किया, यूट्यूब पर सर्च मारा कैसे बनता है कैसे नहीं बनता, तो उस चीज़ से हमने यहाँ तक आए। मतलब आपको तकरीबन 3 साल हो गए? 3 साल। अब हम अंदर खड़े हैं तो ये मेरे को लगता है कि इस कार्ड से आप यहाँ तक पहुँचे होंगे। ये कार्ड लगाई गुरु जी कितनी कृपा हुई कि हम आज शॉप पे खड़े हैं, अपनी शॉप में काम कर रहे हैं। यहाँ पे हमने स्टैंडिंग लगाया है, सिर्फ अभी सेटिंग करेंगे, इसे भी बड़ी दुकान लेंगे। तो प्राइस आपके बहुत रीजनेबल है, वो क्या रखे हमने आपने? एक बार 120 सर, हर मलाई चाय 120, मसाला चाय 120, हर चीज़ 120। आप दोनों उन लोगों के लिए एक बहुत बड़ी इंस्पिरेशन हो जो कोविड का नाम लेके कुछ नहीं करना चाहते। तो सबसे बड़ी बात इस कार्ड के और इस आउटलेट की मैं बताना चाहता हूँ कि 6 बजे शुरू होता है और 10 बजे से पहले आप आ जाएंगे तो आपको बहुत ही बढ़िया खाने को मिलेगा। और जो नॉनवेज लवर्स हैं लेकिन वो नॉनवेज नहीं खाना चाहते, वेजिटेरियन खाना चाहते हैं, तो चस्का स्नैक कॉर्नर को भूलिए मत। इंदिरापुरम अवंतिका हॉस्पिटल के पास, इसको याद रखें और इनका धन्यवाद करते हैं। ये मैरिनेट वगैरह सारा खुद सब कुछ खुद करते हैं। इस पे पहले इसको फ्राई होता है, बॉइल्ड होता है, फिर उसके बाद मसाले चढ़ते हैं, इसमें तड़का लगता है, फिर उसके बाद अलग से जो मसाला बनता है ना दही का, वो लगता है इस पे, फिर मैरिनेट होके यहाँ पे आता है। अच्छा, मैरिनेशन के बाद फिर यहाँ पे रोस्ट होती है, फिर यहाँ ऐसे आ जाती है, फिर मैं बनाती हूँ। ये चाप को ग्रेवी में डाल के अब इसको बॉइल्ड होगा, मीठे सेक पे हल्के हल्के सेक में बॉइल्ड होता रहेगा। उसके बाद जब हम कस्टमर को देंगे, बाउल आता है हमारा 500 ml का, उसमें डाल के क्रीम मक्खन धनिया डाल के इसको हम सर्व करते हैं। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं ये यहाँ पर जितना कड़ेगा इसके अंदर फ्लेवर जो है वो तभी इसके अंदर जाएगा, चाप के अंदर उतना उबलेगा, उतना जूसी सॉफ्ट हो जाएगा खाने में, और मसाले जो हैं वो चाप के अंदर बिल्कुल अंदर तक भर जाएंगे, जो कि आप रोटी का खाएंगे तो बहुत बढ़िया फ्लेवर देगा आपको।
सेक्शन है पब्लिक रिव्यू का, तो मेरे साथ हैं ज्योति, तो इनसे पूछते हैं कि चस्का चाप कॉर्नर का चाप हमको कैसा लगता है, आपने क्या ऑर्डर किया ज्योति? मैंने करा है मसाला चाप और कबाब। तो आपको इन दोनों में से बेस्ट कौन सा लगा? मुझे मसाला चाप। और भी कुछ वैरायटी जो इनके मेनू में आपने टेस्ट करी है कभी? मलाई चाप। में किसको आप रेट सबसे ज़्यादा करेंगे? मैं सबसे ज़्यादा मसाला चाप। ये एक फैमिली है, आपका नाम? रितिका। सर आपका नाम? रविंदर। रविंदर, तो आप कितनी देर से खड़े हैं? 20 मिनट से। तो 20 मिनट में आपका ऑर्डर तैयार नहीं हुआ, तो ऐसा क्या है यहाँ पर जो 20 मिनट के लिए आप खड़े हो और यहीं वेट कर रहे हो इतना टाइम? हैं, टेस्ट अच्छा है क्या? क्या टेस्ट अच्छा लगता है कि 20 मिनट के लिए? मैं तो खड़ा नहीं हूँ 20 मिनट के लिए इतनी देर, तो आपको कैसा लगता है? सभी अच्छा है इसके अंदर। तो आपका फेवरेट क्या है? मेरा तो मलाई चाप। मलाई चाप। 9:30 का टाइम है, यहाँ पे एक फैमिली आई है डिनर के लिए, तो मैं उनसे पूछने जाता हूँ, सर क्या क्या ऑर्डर किया आपने? एक तो मलाई चाप करी है, एक अफगानी चाप करी है, बाकी रोटी के लिए रोटियाँ तो खत्म हो गई यहाँ पे, पनीर टिक्का बोला, पनीर टिक्का मिल नहीं रहा है। तो मतलब आपको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ रहा है डिनर से? मतलब जो भी है इसका टेस्ट तो अच्छा है, तो जो भी है वो खा के यहाँ पे, मतलब यही है कि जो मिल रहा है वही खा के चल रहे हैं। ठीक है, तो दोस्तों जैसे मैंने बता रहा था ना 9:30 का टाइम है, लेट कमर्स में अलाउ नहीं है, वैसे फैमिली डिनर के लिए आई थी, पर डिनर का टाइम कहीं होगा 9:30-10 बजे होता है, वो हिसाब से आता है, बट 9:30-10 बजे यहाँ पे कुछ नहीं मिलेगा। अंकल भी हैं, 9 के अंदर आइए, तो 9 बजे के अंदर आइए। अंकल पहले भी यहाँ आते रहते हैं यहाँ पे, आपने पहले टेस्ट किया हुआ? हाँ टेस्ट किया। आपको टेस्ट कैसा लगता है? संतुष्ट है। 10 में से कितने नंबर दोगे? 10 में से कितने नंबर? थैंक यू। फ्रेंड्स अब है रिव्यू करने का टाइम, तो हमने जो ऑर्डर किया है वो ऑर्डर किया है हमने मलाई चाप और दूसरा है अफगानी चाप, तो टेस्ट करते हैं अफगानी। दोस्तों मैंने टेस्ट करी अफगानी चाप, मसाला प्रॉपर मैरिनेटेड है इसके अंदर, जो सबसे बेस्ट पार्ट है ना जो कोयले के अंदर रोस्ट है वो बेस्ट है, तंदूर के अंदर कुछ पोर्शन रोस्ट होता है कुछ पोर्शन रह जाता है, बट एक कोयले के अंदर जो स्मोकी फ्लेवर है जो चाप में टेस्ट आ रहा है, और इन तो चाप जो है वो पूरी तरीके से रोस्ट है सारी तरफ से, ऐसा नहीं है कि एक साइड से कच्ची, कंप्लीट रोस्टेड है और कंप्लीट स्मोकी फ्लेवर है, इट्स द बेस्ट। फ्रेंड्स मैं ना मलाई चाप ऑर्डर करता नहीं, बिकॉज काफ़ी जो है सोगी सोगी होती है मलाई के साथ, तो मैं प्रेफर करता हूँ मसाला, बट जो इनकी मलाई चाप है ना वो सोगी नहीं हुई, बिकॉज रोस्ट जो है ना प्रॉपर तरीके से हुई है कोयले के अंदर, और मैरिनेशन के बाद भी ना वो गीला गीला सोगी सोगी नहीं है, तो अंदर से रोस्ट प्रॉपर है, तभी इसका टेस्ट जो है और इसका रोस्ट जो है वो डिफरेंट है। वीडियो को भी यहीं वाइंड अप करते हैं, अगले वीडियो में मिलेंगे आपसे, टिल देन ध्यान रखिए अपना और अच्छा खाना खाते रहिए, टेक केयर, धन्यवाद। थैंक यू।